पूरी दुनिया के बड़े बड़े रईसों के रहने की जगह है ये। इन रईसों में एक हिंदुस्तानी भी है जो हमारे अपने ही सूबे का है। उसका नाम है शिवराज। आरएस ग्रुप ऑफ कंपनीज का इकलौता वारिस है ये। या खुदा, इसकी तर्ज जिंदगी देखकर तो कोई भी दीवाना हो जाए। खुद ही नजर डालिए। हाँ, शिवराज बोल रहा हूँ। हाँ, आदाब जनाब। मजे करो। ये रही आपकी सीट। शुक्रिया। खुशामदीद जनाब। हाय। आदाब। हाय। हेलो। वेटर, ओह माय गॉड। Sorry sir, we are closed for the day. Please cooperate sir. Hey, sir, go man. Me, sir. Hey. Hey, क्या हो गया? आप क्या कर रहे हैं जनाब? सुनिए। Hey, what are you doing? चल हट यहाँ से। Come on, call the police. पुलिस हमारा क्या कर लेगी? What's the problem, man? It's none of your business, man. Yes, it's my business. Start a fight if you can't finish it. Bye. Bye.
अरे रामानंद, व्हाट अ सरप्राइज, हिंदुस्तान से कब आए आप? शुक्र है ये नहीं पूछा क्यों आया हूँ। ठीक है, क्यों आए हैं? आपको हिंदुस्तान ले जाने के लिए आया हूँ। ले जाने के लिए? क्या मैं छोटा बच्चा हूँ या फिर कोई चीज हूँ? ऐसी बात नहीं है मालिक। प्लीज चलिए कार में बैठकर बात करते हैं। मालिक रामानंद, जो गुफ्तगू करनी है कल करेंगे, आज का मेरा दिन खत्म हो गया। ओके, शब्बा खैर। शब्बा खैर जनाब। एक्सक्यूज मी प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। योर कॉफी इज रेडी। थैंक यू। ओ रामानंद, आप कल ही आए थे ना? माजरत चाहूंगा। खैर, सुबह बखैर। सुबह बखैर मालिक, दोपहर के एक बज चुके हैं मालिक। मैं रोज इसी वक्त पे उठता हूँ, मेरे लिए तो यही सुबह है। आधा दिन तो बेकार हो गया ना मालिक। आधा दिन तो बचा है ना मजे के लिए, वो काफी है। मालिक 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 मालिक, जिंदगी सिर्फ मजे करने के लिए होती है क्या? तो फिर खूब मेहनत से काम करना होता है, शोहरत और पैसा कमाना होता है। उसके बाद? उसके बाद चाहे तो ऐश कर सकते हैं। तो मैं अभी वही तो कर रहा हूँ, मेरे वालिद ने मेहनत करके कमाया है और मैं ऐश कर रहा हूँ, बस बात खत्म। Thank you. गेंद की जद हासिल करना ही काफी नहीं होता है मालिक, आपको भी अपने जद को हासिल कर लोगों से तारीफ हासिल करनी चाहिए। और उसके लिए क्या? आपको हिंदुस्तान चलना होगा। देखिए रामानंद, मैं यहाँ बेहद खुश हूँ। आप जिंदगी को इतने हल्के मिलेंगे तो आपकी करोड़ों की जायदाद खत्म हो जाएगी मालिक। तो आपके कहने का मतलब यह है कि मैं अपनी जायदाद संभालने के काबिल नहीं हूँ? नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है मालिक। कहते हैं ना, लुटाने वाले को अली बाबा का खजाना भी ना काफी है। महीने के 20 दिन खूब ऐश कीजिए, लेकिन कम से कम 10 दिन तो कारोबार के जाने थोड़ा तवज्जो फरमाइए। तो फिर आप एक काम कीजिए। फरमाइए मालिक। महीने में एक मरतबा आप खुद यहाँ आ जाइए और बता दीजिए कि मुझे क्या करना है। चेक्स और फाइल्स पर दस्तखत मैं कर दूंगा, अगर मेरा कोई मशवरा होगा तो मैं दे दूंगा आपको। क्या ख्याल है? आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन उसमें एक छोटी सी तब्दीली है। मेरे यहाँ आने से बेहतर होगा आप खुद हिंदुस्तान आ जाएं। वहां के सारे काम को आप खुद देख पाएंगे मालिक, मुलाजिम भी आपको एक मर्तबा देख लेंगे। बराए मेहरबानी इनकार ना कीजिएगा मालिक, ये मेरी आपसे गुजारिश है। आई थिंक इट साउंड्स बेटर। मिस्टर एलन। यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? कीप माय जेट रेडी। इधर दो यार। शबा खैर मालिक, वेलकम टू बॉम्बे, माफ कीजिए आमची मुंबई। हाउ आर यू दास? जनाब आप इस दास को नहीं भूले? मैं किसी पागल खाने से तशरीफ ला रहा हूँ जो भूल जाऊंगा? कमाल की याददाश्त है। वालदेन की याद आ गई क्या मालिक? भगवान कभी नजर नहीं आते, उन्हें सब याद फरमाते हैं। सब कुछ अता फरमाने वाले वालदेन याद नहीं आएंगे क्या?
रामानंद, आपने काफी अच्छे से संभाल कर रखा शुक्रिया। है। मुझे लगता है मैं कुछ भूल गया। वो क्या मालिक? हाँ, ड्रिंक पिए एक घंटा गुजर चुका है। पीकर अच्छा लगता है मालूम। माफ करना, आपको चाहिए? आदत नहीं है जनाब। बढ़िया, सुबह पीने की आदत नहीं है ना, कहे तो आपका साथ देने के लिए। मालिक, एक बार फैक्ट्री मैनेजमेंट से मिल लेते तो बेहतर होता। इसी वक्त सब इंतजार कर रहे होंगे, काफी ही देर हो चुकी है। लेकिन खाने का क्या? तैयार है। ठीक है जी जनाब। मिस्टर दास, जल्दी आइए। जी जनाब। सभी को आदाब। बड़ा मेहरबानी, बैठिए। थैंक यू सर। ये लोग हमारी कंपनी के प्रोडक्शन और मुनाफे के मुतालिक बात करेंगे। जनाब केशव। यस सर। आप जरा रुकिए, मुझे कुछ कहने दीजिए। आपकी मदद और प्यार से ये कंपनी बहुत ही अच्छे से चल रही है, तो आप सबका शुक्रिया। मैं काफी वक्त के बाद हिंदुस्तान वापस आया हूँ, सिर्फ 2 ही दिन यहाँ पर रहूंगा। मैं कबल अपना शहर देखना चाहूंगा, तो शिद्दत से काम करते रहिए, हमारी मुलाकात फिर होगी। लेकिन मालिक, ये रिपोर्ट देख लेते तो? काफी है रामानंद, आज का काम हो गया, मजे कीजिए। ठीक है। उफ, आज मेरी जिंदगी का बेहद खराब दिन था। काम काम काम, बहुत ही थकान देने वाला था ये। एक ही दफ्तर में गए हो, इतने थक गए? आपने बिल्कुल बसा फरमाया, आप बहुत थक गए हैं जनाब। बाबू, आज रात के खाना में क्या बनाऊं? कुछ पास्ता, लज़ानिया, सुशी रोज, स्लिम सैलेड, लॉबसुसु, ड्रैगन रोज और जो मर्जी है। ठीक है बाबू। मालिक, रात को कोई दावत वगैरह है? नहीं नहीं, ये सब तो मेरे लिए है। सब कुछ आप तना ही खाएंगे जनाब? सवाल ही नहीं है, सबके सिर्फ एक एक चम्मच जायका लूंगा, अच्छा लगा तो कल जारी रखूंगा, वरना कल मेन्यू चेंज। अरे क्या हो गया यार? सिग्नल रेड हो गया जनाब। खौफनाक है ये, इसलिए मुझे यहाँ नहीं आना था। लेकिन रामानंद को कोई बात समझ में आती ही नहीं है। शह, मेरा पूरा वक्त खराब हो गया। राम जाने कहाँ कहाँ खराब, आप उठते ही दोपहर को 1 बजे। क्या कहा? नहीं नहीं जनाब, कुछ भी नहीं, आपने बिल्कुल बचा फरमाया। रामानंद में जरा भी अकल नहीं है। अपनी जुबान पर काबू रखो, बड़ों के मुतालिक ऐसा नहीं कहते, बदतमीज। माजरा जनाब। जनाब, आप जैसी शख्सियत को कार में नहीं घूमना चाहिए, अगर घूमते हैं तो लोग आपको सलाम ठोके, ऐसा नियम होना चाहिए सरकार का। नहीं नहीं, मुझे दूसरों को तकलीफ देना पसंद नहीं है। फिर तो आपको हेलीकॉप्टर में घूमना चाहिए जनाब। ख्याल अच्छा है, कभी कभी तुम्हारा दिमाग भी काम कर लेता है। शुक्रिया जनाब। ठीक है जनाब, आप फोन ले लीजिए। माफ कीजिए। बोलिए मालिक। मेरे लिए एक चॉपर बुक कीजिए। क्या कहा मालिक? मेरा मतलब 2 सीट वाला हेलीकॉप्टर, जल्दी बुक कीजिएगा। 1 सीट मेरी भी? मैं ये ट्रैफिक बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ। अच्छा ठीक है मालिक। रुकिए, सिग्नल ऑन हो गया जनाब। शिट।
वाह, लड़कियां ऐसी होनी चाहिए, वो बड़ी कमाल की है। कौन सी लड़की? आप अपनी नजरों का इंडिकेटर ऑन कीजिए, उस लड़की की खबर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ मैं। खामोश, लड़कियों के मुतालिक ऐसा नहीं बोला करते। जनाब, मेरा एक छोटा सा सवाल है, गैर मुल्क में रहने के बावजूद आपको ये आदतें क्यों नहीं लगी जनाब, बताइए ना प्लीज। दास, जिंदगी में हर किसी के कुछ उसूल होते हैं, उसी तरह मेरा भी एक उसूल है, लड़कियों के मुतालिक मेरे ऐसे बुरे ख्याल नहीं है, खवातीन की इज्जत करता हूँ। आपको समझना बेहद मुश्किल है जनाब। माफ कीजिए। अरे दोस्त, तुम्हें क्या हुआ? मेरा दिल नहीं कर रहा है, आप लोग खेलिए ना। हाँ ठीक है। जनाब, आप उतरेंगे तो ये लोग आपको पीट देंगे जनाब। अरे उस बेचारे को लगी है यार। जनाब, ये लोग बोलेंगे कि आपने पी करके ठोका है और आपको लगेंगे पीटने। ऐसे छोड़कर जाना इंसानियत नहीं होती। सुनिए जनाब, आप यहीं पर बैठिए, मैं संभालता हूँ, प्लीज। अरे देख के गाड़ी चलाओ ना, अभी इसको चोट लग जाती, अंधे हो गया। इनके लिए एक बोतल खून चाहिए, आप देंगे क्या? मुझे क्यों बोल रहे हो जनाब? हादसा होते ही बस ऐसे ही मजमा लगा के खड़े हो जाते हैं। क्या नींद में घूम रहा था तू? मरने के लिए हमारी गाड़ी मिली थी तुम्हें? तेज गाड़ी चला रहे, मुझे धक्का मार दिया, ऊपर से बोल रहे हो कि मेरी गलती है। अरे तेरी अकल ठिकाने पे है क्या? मालूम है गाड़ी में कौन बैठा है? शिवराज आरएस। हादसे की वजह से तेरी किस्मत खुल गई है, आज के बाद से तेरी जिंदगी बदल जाएगी। ये ले, कल आके पैसे ले लेना। ए, देख क्या रहा है, हॉस्पिटल में दाखिला कराओ इसको। बस अरे कैसा आदमी है, कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। पैसे वसूलने के लिए क्या क्या ड्रामा करते हैं लोग। क्या हुआ उसको? जनाब, एक छोटी सी खरोज तक नहीं आई है, सब मामूली लोग हैं। बोल दिया घर पे आकर के पैसे ले लेंगे, अभी चलिए। यकीन है? सच कह रहा हूँ जनाब, आप चलिए चलिए आप यहाँ से। जरा सुनिए। फरमाइए। आदाब। आदाब। आई लव यू। क्यों, यकीन नहीं हुआ? मैं हकीकत कह रहा हूँ, आई लव यू। हाँ मोहतरमा, आपका नाम? मेरे नाम तक का इल्म नहीं है और मुझसे मोहब्बत करते हो? देखिए, आपका कद, आपका वजन, आप कहाँ से हैं, आपके वालदेन क्या करते हैं, आप क्या करती हैं, कितना कमा लेती हैं, ये सब पूछकर क्रेडिट कार्ड देने नहीं आया। क्रेडिट कार्ड के लिए जब इतनी मालूमात होनी चाहिए तो पूरी जिंदगी साथ गुजारने के लिए मेरे मुतालिक इल्म होना जरूरी नहीं है क्या? बहुत खूब, मुझे लगा था आप सिर्फ देखने में अच्छी हैं, लेकिन आप तो अच्छा बोल भी लेती हैं, तो आप मेरे लिए बेहतरीन जोड़ी हैं, मुझे खुशी हुई। मोहतरमा, हमारे मालिक को काफी लड़कियों ने पटाने की कोशिश की, लेकिन आपको देखकर हमारे मालिक दीवाने हो गए। आप बड़ी खुश नसीब हो, सच कह रहा हूँ मैं आपसे। मुझे ऐसे नसीब की जरूरत नहीं, मेरी बस आ गई है। जरा सुनिए, मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। माफ कीजिए, मुझे देरी हो रही है। मोहतरमा, हमारे मालिक आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, आप बहाना बना करके यहाँ से भाग रही हैं। हमारे मालिक आपको एसी बस में घुमा सकते हैं। देखिए, मुझे ये सब पसंद नहीं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, बराए मेहरबानी मेरा पीछा मत कीजिए, ठीक है? मोहतरमा, मालिक वैसे शख्स नहीं है, मोहतरमा समझने की कोशिश कीजिए, निहायत नेक इंसान नहीं है। मालिक,
हमारे मुल्क के क्रिकेट फैंस की इंडिया के हारने के बाद जो हालत होती है, आपकी हालत वैसी क्यों हो गई है मालिक? दास, मुझे मोहब्बत हो गई है। हकीकत में मालिक? हाँ। कल बस स्टॉप पर जिससे गुफ्तगू की थी ना, उसी से शादी करने का फैसला किया है। उससे? मालिक आपने दूध जैसे दिल से उसे हेलो बोला और वो उसमें नींबू निचोड़ करके चली गई, और आप उसे शादी करना चाहते हैं? वो मेरे लिए बेहतरीन जोड़ी है। अरे मालिक, आपके इजहार करने के बाद उसे आसपास घूमना चाहिए था, लेकिन वो आपसे नखरे दिखा रही है। वो राजी नहीं हुई, इसलिए वो मुझे ज्यादा पसंद है। मतलब मैच फिक्स हो चुका है क्या? हाँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी लड़की से करूंगा। आप इतने संजीदा हो चुके हैं तो उस लड़की का मामला मेरे ऊपर छोड़ दीजिए मालिक। तुम्हें यकीन है? 100%। ऐसी लड़की को हासिल करने के लिए उसके वालिदैन को पटाना होगा। ये मुमकिन है? आप जैसा सोने की खान जैसे हासिल हो रहा है वो सोना छोड़ेगा क्या? मैं यूं गया और यूं आया। मुबारक हो मालिक, आपकी मोहब्बत कामयाब हो गई है। आप जिस लड़की पर फिदा है उसका नाम श्रुति है, उम्र 21 साल, आज तक किसी से मोहब्बत तो दूर, उसने नजर उठाकर भी नहीं देखा। वाकई? जी जनाब। आप जानते हैं वो लड़की किसकी दुख्तर है? किसकी है? अपने मैनेजर रामानंद की दुख्तर है। अपने रामानंद जी की दुख्तर? हाँ मालिक। बहुत खूब, दुनिया बहुत ही छोटी है। जनाब, इस बात का इल्म अगर रामानंद जी को हुआ तो वो खुशी से आपकी शादी अपनी दुख्तर से करवा देंगे। बजा फरमा रहे हो। आप कहाँ जा रहे हैं? रामानंद जी के घर। आप आवाज देंगे वो खुद ही आ जाएंगे या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बातें अगर घर जाकर की जाए तो उनकी और मेरी इज्जत अफजाई होगी, क्योंकि वो मेरे होने वाले ससुर हैं। हाँ? ससुर जी? अतिथि देवो भव। भजन तो चल रहा है लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है मालिक। मालिक उधर देखिए, इनके घर बड़े मालिक की तस्वीर देखकर मालूम होता है आपको कामयाबी हासिल हो गई। कोई नजर नहीं आ रहा है। रामानंद जी, रामानंद जी, रामानंद जी। कौन है? अरे मालिक तशरीफ लाइए। अरे नहीं 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 नहीं, आप परेशान मत होइए रामानंद जी, कोई बात नहीं, तकल्लुफ मत कीजिए प्लीज। आपने हुक्म किया होता तो मैं खुद आ जाता। नहीं 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 नहीं, बुलाकर करने वाली कोई बात नहीं थी, ये बेहद जरूरी है, आपसे कुछ गुफ्तगू करनी थी इसलिए मैं खुद चला आया। फरमाइए मालिक। रामानंद जी, आपकी लॉटरी लग गई है, जैकपॉट, आपकी लाइफ सेट हो गई है। आप फरमाइए मालिक। कुछ मांगूंगा तो इनकार मत कीजिएगा। देने वाले मालिक आप हैं, लेने वाले हम हैं, हम आपको क्या दे पाएंगे, लेकिन मांगेंगे तो अपनी जान तक दे। रामानंद जी, अपनी जान नहीं अपनी दुख्तर दे दें, वही बहुत है। दुख्तर? नहीं नहीं नहीं, इसे गलत मत समझिएगा, मैं आपकी दुख्तर को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, बस इतनी सी बात। क्या बोल रहे हैं आप? मेरी दुख्तर से? क्यों नहीं कर सकता? हमारी बराबरी नहीं है इसलिए क्या? ऐसी बात नहीं है मालिक, बस वो इतनी काबिल नहीं है। काबिलियत है लेकिन मेरी मर्जी नहीं। आदाब, इस लिबास में आप बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। तभी तो पता ढूंढकर तशरीफ लाए हैं हम लोग। देखिए, मैं कल ही आपसे कह चुकी हूँ कि मुझे ये सब पसंद नहीं, मेरे इनकार करने के बावजूद आप मेरे घर पर आकर बातें कर रहे हैं, कैसे बदतमीज हैं। श्रुति, किससे बात कर रही हो? इल्म है तुम्हें? इल्म है पापा, मुमकिन है ये आपके मालिक हों, मेरी नहीं। आपने बजा फरमाया, मुझे आपकी साफ गोई पसंद है और इसलिए ये मुझे बेहद पसंद है। अगर मैं आपको पसंद हूँ तो आप भी तो मुझे पसंद होने चाहिए। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इनके पास किसी चीज की कमी है क्या? सब कुछ थोड़ा ज्यादा ही है और वो सब मुझे पसंद नहीं आएगा। ओहो, बहुत गुरूर है आप में। खामोश रहो, तुम बीच में मत बोलो। हाँ देखिए, मैं आपसे बेहद ईमानदारी से मोहब्बत करता हूँ। और मैं भी आपको ईमानदारी से मुस्तरद करती हूँ। लेकिन क्यों, आपसे शादी करने की काबिलियत मुझ में नहीं है क्या? न सिर्फ मुझसे, किसी से भी शादी करने की काबिलियत आप में नहीं है। ये कुछ ज्यादा है। ये ज्यादा नहीं है, ये हकीकत है। हकीकत सुनकर सभी को गुस्सा आता है। आप खुद के पैरों पर तो अब तक खड़े नहीं हो पाए, अपने बीवी बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? श्रुति, आपका मतलब क्या है? मेरे पास इतनी जायदाद है कि मेरी आने वाली 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। वो आपकी नहीं है, आपके वालिद साहब की है। लेकिन अब तो वो मेरी ही है ना। और कुछ रोज के बाद वो आपके पास नहीं रहेगी। कब नहीं, आपके 3 कारखाने बंद हो चुके हैं, आपको इल्म है ना? तो क्या हुआ, मेरे जैसे 10 लोग भी आ जाए ना तो भी खत्म नहीं होगी, समझ गयी? आप ऐसे ही रहेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वैसे भी आप जिंदगी को इतने हल्के में लेते हैं, आपको शादी की क्या जरूरत? कोई भी लड़की किसी लड़के के वालिद दौलतमंद है ये सोचकर शादी नहीं करती है, और अगर कर भी ले तो वो मोहब्बत नहीं होगी, खुद गर्जी होगी। सबसे कबल आपकी जिंदगी में संजीदगी नहीं है। क्या आपने कभी सूरज को उगते देखा है? कहाँ देखा होगा,
आप तो दोपहर के 2 बजे उठते हैं। सूरज उगते न देखने का मतलब जिंदगी को संजीदगी से नहीं लेना होता है क्या? या मेरे न देखने से सूरज उगेगा ही नहीं? वो सूरज उगेगा, लेकिन ये सूरज नहीं। मतलब तुम्हारी नजर में मैं सड़क पर आने वाला हूँ क्या? आप ही नहीं, आप पर यकीन करने वाले सभी का वही हश्र होगा। आपके लिए 3 कारखानों का बंद होना छोटी बात होगी, लेकिन उसमें मुलाजमत करने वाले 3,000 लोग सड़क पर आ चुके हैं। ये उनकी किस्मत है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम माफ कीजिएगा, वो आपकी किस्मत नहीं बल्कि आपकी लापरवाही है। और अगर आप जैसे इंसान के साथ शादी होती है तो वो मेरी बदकिस्मती होगी और मैं भी सड़क पर आ जाऊंगी। श्रुति, अब बहुत हो गया। रहने दीजिए रामानंद जी, जैसे वालिद वैसे दुख्तर। आपने जो कुछ भी प्यार से समझाया, दुख्तर वही गुस्से से समझा रही है। मेरे कुछ भी कहने से क्या आप बदल जाएंगे? नहीं ना। बदलने से तुम्हारा क्या मतलब है? सूरज उगते देखूं या फिर 1 करोड़ रुपए अपने दम पर कमा कर दिखाऊं? यही 1 करोड़? महीने के 5,000 कमा कर दिखाइए तब मानूंगी। सिर्फ 5,000 रुपए? इतना तो मैं बख्शीश दे देता हूँ। देना बेहद आसान होता है पर कमाना बेहद मुश्किल। तुम्हारे मुताबिक मैं 5,000 रुपए भी नहीं कमा सकता क्या? 5,000 छोड़िए, 500 रुपए कमाना भी मुश्किल है। कमा लिया तो? बगैर अपने वालिद साहब का इस्तेमाल किए, एक आम इंसान की तरह, मतलब सिर्फ शिवराज बनकर 5,000 रुपए कमाइए, तब मैं आपसे शादी कर लूंगी। आप जो कहेंगे मैं मान लूंगी। मुझे आजमाइश दे रही हैं क्या? आप कौन हैं, आपकी काबिलियत क्या है, ये समझा रही हूँ। मैं कौन हूँ और मेरी काबिलियत क्या है, इसका इल्म मुझे अच्छी तरह से है, लेकिन आपको इल्म नहीं। जैसा आपने कहा, 1 महीने में सिर्फ शिवराज बनकर 5,000 रुपए कमाकर आपके सामने रखकर अपनी काबिलियत दिखाऊंगा। और ये मेरी आजमाइश है। ये तुमने क्या किया श्रुति? तुम मालिक, 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 जनाब, जनाब, मालिक, जनाब, बराए मेहरबानी रुक जाइए, बुरा मत मानिए मालिक। सुना क्या कहा आपके दुख्तर ने? मुझ में जरा भी खुददारी नहीं है क्या? मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? बराए मेहरबानी इस मामले में मुझे मत रोकिएगा। मालिक सुनिए, ये क्या हो गया? आ, 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 मालिक, 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 ये क्या कर दिया तुमने बेटी? देखा वो नाराज होकर चले गए। छी, तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है। पापा आप फिक्र मत कीजिए, वो कहीं नहीं जाने वाले। अगर गए भी तो सिर्फ 2 मिनट में वापस लौट कर आ जाएंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं बेटी। मालिक, 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 मालिक सुनिए, मालिक सुनिए, सुनिए, उसने तो पागल की तरह कुछ भी बोल दिया मालिक, और आप उसकी आजमाइश कबूल कर बैठे। घर चलिए मालिक, घर चलिए। क्या मैं 5,000 रुपए भी नहीं कमा सकता? लानत है, क्या समझ रखा है उसने मुझे? मैं इतना गया गुजरा हूँ क्या? जब तक मैं 5,000 रुपए कमा नहीं लेता मुझे सुकून हासिल नहीं होगा। मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ बस। आप 5,000 रुपए कमाएंगे, आपसे ये वाकई मुमकिन नहीं होगा मालिक। आप चलिए यहाँ से मालिक। तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं है ना? तुम्हारी नजर में मैं एकदम गया गुजरा हूँ और तुम सब लोगों ने मुझे नालायक समझ कर रखा है ना? देखना, 1 माह में 5,000 रुपए कमा कर दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ, और तब तक अगर कोई भी मेरे पास आया तो। जनाब चलेंगे क्या आप? हाँ चलो। कहाँ जाएंगे जनाब? कहीं भी ले चलो। शहर में नया है क्या आप? नया ही समझो। ये तो अच्छा बकरा है। जनाब बैठिए ना, पूरा शहर दिखाऊंगा मैं आपको। मुमकिन हो तो एक नौकरी भी दिलवा देना। क्या नौकरी? नौकरी होती तो क्या मैं ऑटो चलाता, बताओ। मुझे भी एक रिक्शा भाड़े पे दिलाओ ना, मैं भी चलाऊंगा, मुझे ड्राइविंग आती है। ऑटो चलाने के लिए यूनियन का मेंबर बनना पड़ता है, लाइसेंस चाहिए। ऐसा भी है क्या? नहीं तो क्या, तो वो भी दिलवा दो ना। जनाब आप जरा उतरिए ना। क्यों, क्या हुआ? ऐसे नहीं मानने वाला। जनाब बोला ना आपको उतरने को, आईने में चेहरा देखा है क्या? ऑटो में बैठेंगे, ऑटो में। शक्ल से भिखारी लगते हो, आ गए हमारा वक्त खराब करने के लिए। खानदानी बदतमीज इंसान है ये।
जरा सुनिए जी जनाब, यहाँ के मैनेजर या फिर मालिक कहाँ हैं? जी जी वो रहे जनाब। ए रघुवीर, बाहर आके मेज साफ करना। जरा सुनिए जनाब। जी फरमाइए, क्या चाहिए आपको? यहाँ पर खाने में क्या मिलेगा? नाश्ता है, खाना है, पिज्जा बर्गर वगैरह? नहीं जनाब, यहाँ सिर्फ हिंदुस्तानी खाना ही मिलता है। तो खाने में क्या है? आधी थाली 15 रुपए की, पूरी थाली 25 रुपए की। एक बार के खाने के लिए सिर्फ 25 रुपए? ओह माय गॉड। एक बात और, एक महीने तक मैं हर रोज 2 दफे यहीं पर खाऊंगा। बड़ी अच्छी बात है जनाब, आइए तशरीफ रखिए। 2 दफे खाऊंगा तो एक महीने में कितने होंगे? पूरे महीने का हिसाब पूछ रहे हैं? पूरे महीने के 1500 रुपए होंगे, क्योंकि आपको पूरा महीना खाना है इसलिए 200 रुपए की छूट। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। मैं आपको 50,000 अदा करूंगा। क्या कहा आपने? 50,000, मेरा मतलब 50,000। 50,000? जी हाँ, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है, एक महीने के बाद मैं यकीनन दे दूंगा। आपको चेक, क्रेडिट कार्ड या फिर कैश, आपको कैसे चाहिए? आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? वो सब मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक महीने के बाद। अरे भाई, दिखने में तो सूट बूट में बड़े खानदानी नजर आते हो और मुझे बेवकूफ बना रहे हो। जेब में पैसे है तो नोश फरमाओ, वरना दफा हो जाओ। देखिए मैं हकीकत कह रहा हूँ, एक महीने बाद मैं आपको 50,000 रुपए अदा करूंगा। तुम्हारे 50,000, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। देखिए मेरी बात सुनिए, इस तरह से बात मत कीजिए, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, समझे? अरे चंद्र भाई, क्या परेशानी है, क्या किया इसने? अरे मुझे तो मालूम होता है कोई पागल है, कहता है कि पूरे महीने यहाँ नोश फरमाएगा और महीने के आखिर में 50,000 रुपए अदा करेगा। चंदर भाई, यकीन कीजिए, आजकल के भिखारी ऐसे ही होते हैं, कोट वोट पहन के भीख मांगते हैं। अरे देख क्या रहे हैं, भगाइए इसे। ये भी उसी बिरादरी का दिखाई दे रहा है भाईजान। एक्सक्यूज मी, बिहेव योरसेल्फ, मैं कौन हूँ, आपको इल्म नहीं है? देखो तो, ये तो अंग्रेजी झाड़ रहा है, खुद को आधा अंग्रेज समझता है ये। ऐसे कोट पैंट हमने बहुत देखे हैं, चल चल निकल यहाँ से। डोंट टच, डोंट टच। मैं जाता हूँ। अरे कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ पे अंग्रेजी बोलकर बेवकूफ बनाने के लिए। देखने में तो ये तालीम याफ्ता मालूम होता है, लेकिन हरकतें देखो इसकी, हट्टा कट्टा आदमी होकर मेहनत भी नहीं कर सकता। How much is this? क्या कहा तुमने? माफ कीजिए, एक केला कितने का है? 1 रुपया। 1 रुपया? सिर्फ 1 रुपया? 1 रुपये की आज भी कोई कीमत है? सिर्फ 1 रुपये के लिए इतनी धूप में बैठकर इतनी मेहनत कर रही हैं आप? क्या करूं बेटा, मेरा फर्जंद उतना अच्छा नहीं है, दिन के 50 केले फरोख्त करूंगी तो ही खाना मिलेगा। क्या कह रही हैं? आपका फर्जंद ऐसा इंसान है? यहाँ सब ऐसा ही है क्या? मुझे यकीन नहीं होता है। हे भगवान, शह। मेरी छोड़ो बेटा, तुम्हें कितने केले चाहिए? फिलहाल तो 1 ही केला दे दीजिए। ये लो, 1 रुपया हुआ। अम्मा, एक्चुअली आई डोंट हैव मनी। सॉरी। अम्मा, मैं आपसे कुछ कहूंगा लेकिन मुझे गलत ना समझना, हाँ मुझे पागल भी मत समझना। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, 1 महीने के बाद 1,00,000 रुपए अदा करूंगा। आप मुझे पागल समझ रही हैं ना अम्मा? मैंने कहा था ना ऐसा मत समझना, 1 महीने के बाद 1,00,000 रुपए अदा कर दूंगा, मेरा यकीन कीजिए। अरे बेटा, इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, शक्ल से बड़े घराने के मालूम होते हो, तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं? अरे वही तो अम्मा, यही तो परेशानी है। अम्मा मुझे बहुत ही भूख लगी है, प्लीज। क्या हुआ अम्मा, आपको मुझ पर यकीन नहीं होता? तुम पैसे मत दो, ये लो। नहीं 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 नहीं, अगले महीने तुम पैसे लोगी तभी मैं खाऊंगा। ठीक है, खा लो बेटा। एक और खाओगे बेटा? कोई बात नहीं, खा लो। अम्मा, 2,00,000, शुक्रिया।
सुकून महसूस हो रहा है। अम्मा इसे कहाँ फेंकूं? यहाँ रख दो। शुक्रिया अम्मा। अम्मा अगले महीने आप यहीं पर रहेंगी ना? अगर जिंदा रही तो यहीं मिलूंगी। ऐसा ना कहूँ अम्मा, आप मेरी दादी की तरह हैं, आप हमेशा अच्छी रहेंगी, आपको मेरे लिए अच्छा रहना ही होगा। जब भी भूख लगे तो यहाँ आ जाना। शुक्रिया अम्मा, अलविदा। अम्मा अगले माह 2 लाख फ्रूट शॉप, ठीक है? बेचारा लगता है पागल हो गया है। ए अन्ना हो गया क्या? बेवकूफ इंसान। तुम्हें इल्म है कि वो कौन है? हम जैसे हजारों का पेट भरने वाले मालिक है वो। तुम्हें पसंद नहीं था तो इनकार कर देना था, तुमने तो उल्टा सीधा बोलकर उनका दिमाग खराब कर दिया। तुमने उन्हें आजमाइश दी है, तुम्हारी काबिलियत क्या है? इल्म है? मेरी बातों को वो इतनी तवज्जो देंगे? मुझे इल्म नहीं था पापा। पुलिस कंप्लेंट? जुबान बंद रखो अपनी। कंप्लेन देगी, कंप्लेन। कंप्लेन देने के बाद पुलिस वाले अखबार या टीवी को इत्तला कर देंगे तो उनकी इज्जत का क्या होगा? और कहीं अगर उनकी जान को खतरा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तकलीफ का मतलब तक उन्हें नहीं मालूम। गैर मुल्क में नाचते गाते शहजादे की तरह जिंदगी बसर कर रहे थे, मैं ही उनको जबरदस्ती यहां लेकर आ गया। मालूम नहीं अभी कहां होंगे, क्या कर रहे होंगे। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? ये तुम्हारा मुकालमा? शराब पीकर मेरे घर के सामने पड़े थे, ये मेरा मुकालमा? अरे नहीं नहीं, मैंने पी नहीं है, ये तुम्हारा मुकालमा। फिर क्यों पड़े थे? ये मेरा मुकालमा। तो अब फरमाओ यहाँ क्यों गिरे पड़े थे? सनस्ट्रोक। ओहो, तो तुम्हारा बेटा भी है? क्यों, इम्तिहान में नाकाम हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं उस सन का जिक्र नहीं कर रहा, आसमान के सन का जिक्र कर रहा हूँ। ओह अच्छा, एक बात बताओ, तुम दिखने में तो बड़े आदमी लगते हो, नाम क्या है तुम्हारा? शिवरा शिव। शहर? यही शहर है। काम क्या करते हो? उसी की तलाश में हूँ। वालदेन? ऊपर है। ओह, तुम भी मेरी तरह हो। अच्छा सुनिए, मुझे बेहद भूख लगी है, खाने को कुछ मिलेगा क्या? एक मिनट रुको। हाँ ये लो। ये क्या है? बासी खाना। मतलब? आज बनाया हुआ आज खाएंगे तो ताजा खाना, अगले दिन खाएंगे तो बासी खाना। मुझे इन सब की आदत नहीं तो है। तो फिर क्या खाओगे, पिज्जा बर्गर? हाँ वो बेहतर होगा। ओए तुम खुद बेघर हो, तुम्हें बर्गर चाहिए? देखो खाना है तो यही खाओ वरना दफा हो जाओ। अरे मोहतरमा जरा सुनिए। क्या है? मैं यही खा लूंगा। मैडम स्पून? ओए खाओ ना चुपचाप। बेहतरीन, बहुत ही जायकेदार। इसीलिए कहते हैं कि खाने की कीमत भूख लगने पर ही पता चलती है। अच्छा महसूस हो रहा है। फिंगर बोल? क्या? बोल वाटर। यहाँ पानी बोल में नहीं मिलता, नल में आता है, जाकर धो लो।
अरे जनाब, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? उल्लो के पट्टे, कर्ज वापस नहीं करता है, ऊपर से अकड़ दिखाता है। असल और ब्याज दोनों तो अदा कर दिया है मैंने। कहाँ अदा किया बे? दो हफ्ते से ब्याज नहीं चुकाया है, ऊपर से मुझसे जुबान लगा रहा है। चल पैसे निकाल। रोज फसाद करता है। तेरी जात का तो कभी सुधरने वाला नहीं है। हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? हरगिज नहीं, इसे छोड़ के तुझे पकड़ लेता हूँ ना। ए दफाओ, तुम तो दिलदार हो ना, तुम ही दे दो। कितना, कितना क्या, इतना कमाल का हुस्न आया है, इसे मुझे सुपुर्द कर दो, थोड़ी दिल लगी कर लूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। आजा, आजा। देखो मैंने उसी रोज तुमसे कहा था, मेरे मामा मिलिट्री में है, वो आने वाले हैं, मुझे छूना भी मत। ओहो, आ जाएगा, कल आएगा, बोल के मुझे खौफ दिखाती है। वो जिंदा है या मर गया किसे खबर। चला जा, जा मेरे साथ, जब तक वो नहीं आता ना मैं हूँ तेरे साथ, दोनों मिलके साथ में रहेंगे, मजा आ जाएगा। आजा, आजा। अरे जनाब, देखिए लड़की के साथ बदतमीजी मत कीजिए, ये ठीक नहीं है, समझे? तो कौन है बे? भगत सिंह, मिलिट्री मैन, बॉर्डर से तशरीफ ला रहा हूँ। बॉर्डर छोड़ के तू वहाँ से यहाँ मुहाफिज बनने आया है, तेरी जात के, चल निकल यहाँ से। देखिए ऐसे बदतमीजी मत कीजिए, इज्जत से पेश आइए। ए मिलिट्री, तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है, अभी मेरा मिजाज कुछ और है, फसाद करने का भी वक्त नहीं है मेरे पास, चल निकल यहाँ से। सुनिए, प्लीज गो। अबे तेरी तो दफा हो जाए यहाँ से, मुझे आंखें दिखाएगा। क्या रे, क्या देख रहा है? आखिरी इंतिबा, अगर इस लड़की की जानिब देखा भी तो ख्याल रखना, भगत सिंह आर्मी मैन, पूरी आर्मी यहाँ आ जाएगी, समझा? अपनी वालिदा की कसम खा के कहता हूँ भाई, मैं अपनी बहन को कभी नहीं देखूंगा, हरगिज़ नहीं। चल दफा हो जा, चल। हाँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। सुबह तो सनस्ट्रोक से गश खाकर गिरे पड़े थे और अब यहाँ उन लोगों को घुमा घुमा कर मार भी दिया, कहाँ से आई इतनी ताकत? हाँ, आपके खिलाए हुए खाने से। तो तुम्हें नौकरी चाहिए? लेकिन तनख्वाह सिर्फ 5,000 चाहिए, उससे ना ज्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। 5,000 ही क्यों चाहिए? बस चाहिए, रहने को घर चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी हिफाजत की है तुमने, तुम्हारी मदद नहीं करूंगी तो ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। देखो तुम एक काम करो, तुम इसी कमरे में रह लो। आप कमरा खाली कर रही हैं? मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही रहूंगी, 1,000 भाड़ा मेरे लिए भी ज्यादा है,
सोचा कि तुम भी यहाँ रहोगे तो हम बांट लेंगे। हम दोनों एक साथ क्यों नहीं रह सकते? आदमी खातून बिन ब्याहे एक ही कमरे में, वो भी हिंदुस्तान में, ये वाजिब है? दिल साफ हो तो वाजिब है, किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं। देखो मुझे लगा तुम नेक इंसान हो इसलिए कह दिया, तुम्हें मंजूर नहीं तो तुम जाओ। चलेगा, मैं यहीं पर रह लूंगा। बढ़िया, लेकिन खर्च में आधा आधा, ठीक है? ठीक है। वैसे तुम्हारे पास बस यही कपड़े हैं या फिर कोई लुंगी वगैरह भी है? लुंगी? ये क्या होता है? ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसे पूरा पहन लो तो साड़ी फाड़ कर आधी तुम पहन लोगे तो लुंगी। पकड़ो। शुक्रिया। इसकी कीमत 100 रुपए, बाद में दोगे तो भी चलेगा। 100 रुपए क्यों? एक महीने के बाद 1 लाख दूंगा। मैं संजीदा हूँ। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं इल्म है? 5,000 की नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हो, 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हो। जरा सुनिए। हाँ? थोड़े पैसे देंगी? क्यों चाहिए? सिगरेट, ड्रिंक। ओह, तो तुम्हें वो आदतें भी हैं? बस उतना ही है या कुछ और भी है? नहीं नहीं नहीं, बस इतना ही। पर क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। देखिए, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, मेरी तनख्वाह से आप काट लीजिएगा। अभी तो नौकरी मिली भी नहीं है और तनख्वाह की बात करने लगे, अकड़ की तो कमी नहीं है। देखो सिगरेट तक ठीक है, पर घर में शराब पी कर आए ना तो दाखिल मत होना। शुक्रिया। जरा सुनिए। बोलो। अपना नाम नहीं बताया आपने? मेरे पास जो नहीं है वही नाम है मेरा, ऐश्वर्या। तो पकड़ो। हाँ। मच्छर। ऐसे चीख रहे हो जैसे शेर देख लिया हो, मच्छर ही तो है। मुझे मच्छर जरा भी पसंद नहीं है। वो तुमसे कबल से मेरे रूममेट हैं। रूममेट्स? हाँ, एक ही नहीं बहुत हैं। अब मैं क्या करूँ? ओहो, 2 बूंद खून पियेंगे और चले जाएंगे। आंखें बंद करो और सो जाओ। तेरी मच्छर की तो। 4 बजे उठना है, खामोशी से सो जाओ। मैं 1 बजे उठ जाऊंगा। इतनी जल्दी उठकर क्या करोगे? जल्दी? दोपहर के 1 बजे उठने वाले को तो लोग आलसी ही कहते हैं। ए, मैंने दोपहर के नहीं सुबह के 4 बजे कहा। इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है? यहाँ के 10 घरों के लिए 1 ही बाथरूम और 2 ही टॉयलेट है, अगर जल्दी उठोगे तो ही नहा धो पाओगे, वरना कतार में ही खड़ा होना पड़ेगा। क्या आपने कभी सूरज को उगते देखा है? ऐश्वर्या जी, अब क्या हुआ तुम्हें? मैं सुबह उठकर सूरज उगते देख सकता हूँ क्या? सूरज उगते? मैंने 7 अजूबे देखे हैं, सूरज उगते नहीं देखा। तुम क्या यहाँ पागल खाने से फरार होकर आए हो? ए, खामोशी से सो जाओ, दिमाग मत खाओ मेरा। पागल। वाह, शानदार है। वाह, जबरदस्त है, बहुत खूब, मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं था। ये तो कमाल है, बहुत खूब, वाह। हे, अरे 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 अरे, अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों चीख रहे हो? ओ, बहुत कमाल है, सूरज उग रहा है, बड़ा ही खूबसूरत है, वाह क्या नजारा है। सूरज रोज उगता है रोज डूबता है, इसमें खास क्या है? नहीं नहीं नहीं, आपने इतना खूबसूरत सनराइज कभी भी नहीं देखा होगा। देखो देखो देखो, वो देखो, जाकर तैयार हो जाओ। जाओ ना। वाह, बहुत खूब। देखो बेटी ऐश्वर्या, कल ये धूप में गश खाकर गिर गया था, बाद में लड़ाई भी करने लगा, और अब देखो पागलों की तरह चीख रहा है। आज के जमाने में अजनबी शख्स से बहुत होशियार रहना चाहिए बेटा। उसको देखकर ऐसा नहीं लगता चाचा, नेक दिल इंसान मालूम होता है। मैं इतना ही कहूँगा कि तुम अपना ख्याल रखना बेटी। जी चाचा। म
मालिक, मालिक आप कब आए, कहां थे इतने रोज? ये क्या तुम हो? मैं कहीं नहीं गया, यहीं पर तो हूँ। उनके कपड़े तुमने क्यों पहन रखे हैं? मालिक की कमर मेरी कमर एक ही है, इसलिए कपड़ा बर्बाद ना हो मैं पहन लेता हूँ। उनके आने तक शिवराज जी की जगह मैं ही हूँ, समझ गए? जुबान को लगाम दो नालायक। मालिक की खातिर दिल में इज्जत वफादारी कुछ भी नहीं है क्या? जनाब रामानंद, कबल ये पता करो कि आपके दुख्तर और आप कौन हैं। मेरे मालिक ने बस स्टॉप पर आपके दुख्तर को देखने के बाद उसकी जिंदगी बनाने के मुतालिक सोचा। पुराने हिंदी सिनेमा में जिस तरह से अदाकार शर्त रखते हैं, उसी तरह हजार शर्तें मालिक पर रखने के बाद उन्हें घर से बाहर भगा दिया, और अब मुझे ही डांट रहे हैं आप, हैं? हेलो शिवराज हियर। हेलो डियर, व्हाट आर यू डूइंग देयर? मिस्टर एलन, द होल मंथ किंगफिशर डर्बी रेस इज हियर, डोंट डिस्टर्ब, कॉल आफ्टर वन मंथ, थैंक यू। अब थूप, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। जो भी मुंह में आया बकता जा रहा है, उनकी तलाश करने में हमारी यहाँ जान जा रही है और इसे मजाक सूझ रहा। उन्होंने तुम्हें फोन किया था क्या? उन्होंने फोन किया भी नहीं, और उनको जरूरत भी नहीं है। वो कहीं भी रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, आखिर वो शहजादे हैं। अपनी जुबान बंद रखो। तुम भले ही उनके कपड़े पहन लो, लेकिन रहोगे सर्कस के जोकर ही। कबल उनको तलाशने की कोशिश करो। हाँ, हसद रखते हैं। स्टमक बर्निंग। देखो भाई, ऐश्वर्या ने कहा इसलिए तुम्हें काम पे रख रहा हूँ। मेरे पास पूरी ईमानदारी से काम करना। तनख्वाह तो 5,000 है ना? उतना नहीं मिलेगा भाई। तुम फिलहाल मान लो, मैं दिलवा दूंगी। जनाब कोई तकल्लुफ जैसे कि राजीनामा वगैरह? नहीं जनाब, कुछ नहीं। तुम चलो। जरा रुको। अरे रुको तो। नारायण मूर्ति और बिल गेट्स है क्या? काहे का राजीनामा? चलो। ऐश्वर्या जी, मुझे यहाँ क्या काम करना होगा? फरोख्त नुमाइंदगी। फरोख्त नुमाइंदगी? ओ, अच्छी नौकरी है। वैसे क्या फरोख्त करना होगा? रद्दी कागज और खाली बोतल। क्या कहा? और नहीं तो क्या, साड़ी की दुकान में आकर पूछोगे क्या फरोख्त करना है तो क्या कहूँगी? देखो, जैसे वो लोग खरीदारों को साड़ी दिखा रहे हैं, वैसे ही तुम्हें भी दिखाकर फरोख्त करनी होगी। इतना ही? काफी आसान लगता है। ओ अच्छा, चलो इल्म हो जाएगा। सुनिए, जो कतार में सुर्ख साड़ियां हैं, जरा दिखाइए। जरूर, तशरीफ रखिए। हाँ, ठीक है। ये वाली? हाँ, खोल कर दिखाइए ना। हाँ, आंचल दिखाइए। आंचल? हाँ। ये पसंद नहीं आई, वो वाली दिखाइए। ये भी अच्छी नहीं है। कौन सी साड़ी पैक करूं मैडम? सारी साड़ियां पैक कर दीजिए। सारी पसंद आ गई? एक भी पसंद नहीं आई, सारी पैक करके वापस रख दीजिए। इन साड़ियों को दिखाते दिखाते मेरी तो जान निकल गई। सबको तह लगा कर रख दो, निकली हुई जान वापस आ जाएगी। तह लगाना पड़ेगा? इसको ऐसे ही रहने दे, वैसे भी दूसरे खरीदार को दिखाना ही पड़ेगा। रात को एक साथ तह लगा लूंगा। तुम्हें 5,000 तनख्वाह इसी काम के लिए हासिल होंगे, तह लगाओ। वो मैं खामोशी से तह लगाना है या नौकरी से बर्खास्त होना है? ठीक है, तह लगाता हूँ। सुनो बेटा शिव, कल से उस मुजस्मे को साड़ी तुम ही पहनाओगे, समझे? मैं? क्यों, इल्म नहीं है क्या? जनाब मैं तो इल्म है, बिल्कुल इल्म है जनाब, कल से यही साड़ी पहनाएगा। ठीक है, पकड़ो। क्या है ये, एक और लुंगी बनानी है क्या? लुंगी नहीं बनानी है, मुजस्मा को साड़ी पहनाना है। मुजस्मा तो दुकान में है। अरे यार तुम भी ना, फर्ज करो कि मैं मुजस्मा हूँ और पहनाओ। पहनाओ। अरे उठो जल्दी। मुझसे मुमकिन नहीं। नौकरी चाहिए कि नहीं? चाहिए तो। वेरी गुड। वेरी गुड, ऐसे ही सीख गए ना तुम। साड़ी पहनना इतना मुश्किल है ना, इसलिए लड़कियां जीन्स पहनने लगी हैं। Oh.
यीशु। हाय श्रुति। कैसी हो यीशु? क्यों मोहतरमा, चार रोज से ना कोई फोन ना कोई खबर, कहाँ गई थी? 3 रोज से मेरा मूड खराब था। किसी से इश्क विश्क तो नहीं हो गया? इश्क विश्क कुछ नहीं, तुमसे ना एक जरूरी गुफ्तगु करनी है। यीशु। हेलो, मेरे कमरे में एक लड़के को देखकर इस तरह से हैरान ना हो तू। वो शिव है, मेरा रूममेट। शिव, ये श्रुति है, मेरी करीबी दोस्त। हाय। आदाब। ए श्रुति, ये ना एक अजीब किस्म का किरदार है। पिछले जन्म में शायद अकबर बादशाह या फिर क्वीन एलिजाबेथ का शौहर रहा होगा ये बेचारा। इस जन्म में मेरे साथ साड़ी की दुकान में मुलाजमत कर रहा है। मच्छर देखता है तो चीखता है, छिपकली देखकर डरता है, लेकिन मालूम है सीरत को देखा जाए तो 24 कैरेट सोना है। मेरे मुतालिक इन्हें बताने की क्या जरूरत है? इसमें क्या गलत है? हम दोनों कोई अलग अलग थोड़ी है, एकदम करीबी दोस्त है। हम दोनों के दरमियान कोई राजबाज नहीं है। तो फिर मैं अपने मुतालिक खुद ही बता देता हूँ। हाँ बताओ। देखिए, मैं नौकरी करता हूँ, महीने के 5,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, सुबह सुबह 4 बजे उठता हूँ, आपकी दोस्त ने अपनी साड़ी फाड़ कर मेरे लिए लुंगी बना दी है और अपने कपड़े मैं खुद धो देता हूँ, दाल चावल खाता हूँ, चटाई पर सोता हूँ और अपने सारे काम मैं खुद ही करता हूँ। ऐश्वर्या, मकान मालिक आपको बुला रहे हैं। हाँ हाँ आ रही हूँ, तुम लोग गुफ्तगू करो, मैं अभी हाजिर होती हूँ। अरे श्रुति उठो, क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ है तुमको? मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए, उस रोज बगैर सोचे समझे मैंने कितना कुछ बोल दिया। आपको इस हाल में देखकर मुझे बुरा लग रहा है। आप जीत चुके हैं, चलिए चलते हैं। कहाँ? आपके घर। मतलब क्या तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? वो बोलो, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है? देखिए, आप मुझ पर यकीन करें या ना करें, लेकिन अब मैं आपसे वाकई मोहब्बत करने लगी हूँ। लेकिन यकायक तुम्हें मुझसे मोहब्बत कैसे हो गई? मुझ पर रहम आ गया क्या? नहीं नहीं श्रुति, मैंने अपनी मोहब्बत को संजीदगी से लिया है और अपनी आजमाइश को और भी संजीदगी से लिया है, और तो और इन सबसे ज्यादा मैंने अपनी जिंदगी को संजीदगी से लिया है। श्रुति, जबरदस्ती मत करो। मालूम है मैंने 2 सनराइजेस देखे हैं, मैंने 2 मरतबा सूरज को उगते हुए देखा है और मैं वाकई इस जिंदगी के मजे लेने लगा हूँ, और अब ये सूरज चमक रहा है। प्लीज कुछ मत बोलो। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह है तो मेरे मुतालिक किसी से कुछ मत कहना, और तो और तुम्हारी दोस्त ऐश्वर्या को तो हरगिज नहीं, तुम्हें मेरी कसम है श्रुति। क्यों रे, तुझे भी 1 महीने बाद 1 लाख दूंगा ऐसा कहा इसने? नहीं यार। अरे श्रुति, तुम कुछ जरूरी गुफ्तगू करने आई थी ना मुझसे, कहो। अच्छा वो नहीं कुछ नहीं। तुम्हारा भी ना हर पल मूड बदलता रहता है। अच्छा हुआ तुम दोनों मिल गए, ये भी पागल तुम भी पागल। अच्छा छोड़ो, मैं चाय पिलाती हूँ, ठीक है? अरे रुको रुको, अगली मर्तबा बनाना, अभी मुझे इजाजत दो। अगली मर्तबा का मतलब 1 महीने के बाद? नहीं यार, मैं कल ही आऊंगी, और सिर्फ कल ही नहीं रोज आऊंगी। अलविदा। अलविदा। ए, इसको क्यों दिखा रही हो? इसे दिखाओ मोहतरमा, ये बहुत अच्छी है, ये तो पुराना माल है। उस साड़ी को वहाँ पर क्यों छुपा रही हो? इल्म है, ये साड़ी मुझे बेहद पसंद है, आखिरी पीस बचा है। तो फिर ले लो। ऐसे ही ले लो, मेरे वालिद की दुकान है क्या? ठीक है, तो पैसे अदा करके ले लो। इसकी कीमत 4,500 रुपए है, मेरी 1 महीने की पगार। इल्म है, फिर भी इसे छोड़ूंगी नहीं, कुछ भी करके खरीद कर ही रहूंगी। हाय यीशु। हाय श्रुति, कैसे हो तुम? सब खैरियत? ये क्या, आज तक इस दुकान में कदम नहीं रखा और आज यकायक आ गई। साड़ी खरीदनी थी, एक अच्छी सी साड़ी चुनकर दोगी मुझे? नहीं ना, रुको, ये देखो, ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, ये लो। वाह, बेहद खूबसूरत है, शुक्रिया। सुनिए, हाँ? आप उसे छोड़कर कोई और साड़ी खरीद लीजिए। क्यों, ये अच्छी नहीं है? अरे आप पर तो कोई भी साड़ी कमाल लगेगी, लेकिन ये साड़ी तो सिर्फ इन पर ही अच्छी लगेगी, क्योंकि इस साड़ी को इन्होंने खुद के लिए पसंद किया है। आपकी साड़ी मैं चुनकर देता हूँ। क्यों बेटा, मेरे लिए कुर्बानी हो? तुम्हें जो भी पसंद हो वो मुझे दोगी क्या? ये कौन सी बड़ी बात है।
कोई जरूरत नहीं, ये साड़ी तुम पर बहुत जच रही है, तुम ही देखो। आप पर ये बहुत ही जचेगी, देखिए। वाह, बहुत खूब, वाकई बहुत अच्छी है। इसको पैक कर दो। शुक्रिया। आप जैसे लोग आएंगे तो हजारों साड़ियां नहीं दिखानी पड़ेंगी। फिर तो रोज एक साड़ी खरीदूंगी। उसके लिए तुम्हें किसी शहजादे से शादी करनी होगी। मुझे कोई ऐसा ही मिलेगा। ये लीजिए आपकी साड़ी। ओह शुक्रिया। बिल वहाँ काउंटर पर। ओह ठीक है, अलविदा। ख्याल अलविदा। इसको हकीकत में कोई शहजादा ही मिलना चाहिए। क्यों, तुम्हें नहीं चाहिए? छी, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। तुम्हारे दर्जे का कोई फरोख्त नुमाइंदा भी चलेगा। अच्छा बताओ, मुझे ये साड़ी पसंद आई है, तुमने उसे क्यों बताया? तुम दोनों करीबी दोस्त हो ना, इसीलिए बताया। इसीलिए तो मैंने ये साड़ी उसे दी थी। तो मतलब अपने पसंद की हर चीज दे दोगी क्या? ओहो, इतनी गहरी दोस्ती है। हाँ, सिर्फ दोस्त नहीं, वो मेरी जान है। मतलब तुम दोनों बचपन से ही करीबी दोस्त हो क्या? हमारी दोस्ती कुछ अजीब हालात में हुई थी, तकरीबन 4 साल कबल। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि कटघरे में खड़े इस शख्स ने इन दोनों लड़कियों के साथ जबरदस्ती आबरू रेजी की और इन्हें जान से मारने की कोशिश की, इसलिए इसे गुनहगार मानते हुए पीसी की दफा 312 के तहत अदालत इसे 4 साल के कैद की कड़ी सजा सुनाती है। ऐसे शुरू हुई मेरी और श्रुति की दोस्ती। ज्यादातर लड़कियां इज्जत का ख्याल कर अदालत जाने से परहेज करती हैं। लेकिन अगर आप लोग इतनी हिम्मत दिखाएंगी तो कोई भी खवातीन को बुरी नजर से देखने की हिम्मत ही नहीं करेगा। अब चले। चार सालों से तुम जेल के अंदर हो, अब तो सुधर जाओ। जो रेप किया ही नहीं उसकी सजा काटी है, अब सजा काट ली है तो रेप तो करना ही पड़ेगा ना। जनाब, हमारे बॉस ने इसलिए कुछ जरूरी काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स में उनके साइन की जरूरत है। बॉस कब आएंगे जनाब? उनको एक फोन आया था, कुछ जरूरी काम से वो बाहर गए हैं। मैं राब्ता करके उनको इत्तला करता हूँ। वो जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाएं तो ही हमारे लिए अच्छा होगा। उनसे कहूंगा मुमकिन हो तो जल्दी आ जाएं, नहीं तो फिर मैं खुद उनके पास चला जाऊंगा। ओके सर। नहीं रामानंद जी, कबल तो बात बात पर गैर मुल्क जाकर दस्तखत करवा कर आते थे, अब तो सब कुछ मकामी ही चल रहा है, जाकर दस्तखत नहीं करा सकते? खामोश, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, जाकर अपना काम करो। हाँ।
किधर है बे? बाकी किधर है? हमें नहीं पता भैया। ये तो इस हफ्ते का है, पिछले हफ्ते का कहाँ है? अगले हफ्ते कैसे भी करके मैं आपको दे दूंगा भाई। पिछले हफ्ते डॉन पिक्चर आएगा तो दे दूंगा बोला था ना, इस हफ्ते दबंग पिक्चर आने पे दूंगा बोला था। ए, आप उनको फिल्म दिखा रहा है क्या? तेरी जात का मैदा मारूं, तुझे खोपचे में लेके धोऊंगा। क्या है भाई, अभी अपनी जुबान बंद रखना, ठीक है ना? ठीक है। बहुत नमस्ते बॉस। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, इनकार करने पे भी हफ्ता दे रहा। अरे नहीं, आप रख लीजिए पैसे। मैं चलता हूँ, चलिए। ओके बॉस। भाई अबे तेरी जात का जाता किधर है? उसके सामने नाटक कर रहा था तू? ऐसा पीसूंगा ना कि पैदा होने से डरेगा। चल। कहाँ गए थे? यही पास में, चलें क्या? ओह, संभल के संभल के। अब कैसे हैं आप? कब्र से तो बेहतर है ना? अब तो चलाना ही पड़ेगा। खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए बड़ी मुश्किल से 5,000 रुपए की नौकरी हासिल की थी। जब मेरे काम करने की उम्र थी तब ऊपर वाले ने मेरे पैर ही छीन लिए। इंसान की गलती को ऊपर वाले पर क्यों थोपते हो? क्या हुआ इनको? पिछले हफ्ते शायद कोई नशे में गाड़ी चला रहा था, MG रोड के पास इनका हादसा किया सो किया। शिवराज RS कंपनी के गार्ड को मुंह पर फेंक दिया और घर आकर पैसे ले जाने को कहा। हादसा करने वाले ने आपको पैसे वगैरह नहीं दिए क्या? क्या मतलब? उसके सामने कि अब मैं हाथ फैलाऊं? मैं गरीब जरूर हूं लेकिन मेरी खुददारी बहुत बड़ी है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। आपको जो परेशानी हुई है उसका मुआवजा मांगने में भला हर्जी क्या है? वैसे वो भी लोग गलत इंसान नहीं है। जैसे ही आप वहां पर जाएंगे तो वो लोग आपको फौरन पैसे। भैया आप आराम फरमाइए, मैं शाम को आकर मिलती हूँ। अरे आप काहे का आराम, इस उम्र में वालिदैन के पैसों पर मुझे जिंदा रहना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ होती है मुझे। जनाब 5,000 की नौकरी जाने पर मायूस क्यों हो रहे हो? कल तो आपको 20,000 की नौकरी हासिल होगी। हाँ, ये कौन है? शिव नाम है, दिल का नेक है लेकिन थोड़ा सा पेच ढीला है। जनाब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा संजीदा हूँ। आपको 20,000 की नौकरी हासिल होगी, मेरे अल्फाज पर यकीन कीजिए। आप खुद पर यकीन रखिए, परेशान मत होइएगा। आपको कल नौकरी जरूर मिलेगी, यकीन कीजिए। मैंने सोचा था कि तुम में कम है लेकिन बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है? पागलपन। तुम्हारे खुद के पास नौकरी नहीं थी तो मैंने दिलवाई, बड़े बड़े नजूमी की मानिंद। यकीन कीजिए 20,000 की नौकरी हासिल होगी। इतना बड़ा बड़ा क्यों फेंक रहे थे तुम? 1 रुपया दे सकती हो? किस लिए? सिगरेट के लिए? नहीं, फोन करना है। एक फोन? चाहो तो मेरी तनख्वाह में से काट लेना। हेलो शिवराज हियर। इस जानिबी शिवराज ही है जनाब। मालिक, आदाब मालिक। सुबह खैर मालिक, कहाँ है मालिक? क्या है दास, नहा रहे हो क्या? मालिक आप कहाँ पे हैं ये तो बता दीजिए मालिक, मैं गाड़ी लेकर फौरन हाजिर हो जाता हूँ मालिक। ज्यादा नाटक मत करो, जो कह रहा हूँ वो सुनो। किसको फोन किया? भगवान को। हाँ? भगवान को फोन करके तुम्हारे भैया के लिए 20,000 की नौकरी मांगी है। पक्की बात, 100% खतरनाक पागल, तुम्हें तो वो भगवान ही बचा सकता है। चलो। Move it, boy. ये खातून फिर क्यों आ गई यार? इसको साड़ी दिखाते दिखाते मेरी जान निकल जाएगी। अच्छा सुनो यशु, तुम कुछ भी कह लो, इतनी अच्छी साड़ी पहनने वाली हूर को मैंने आज तक नहीं देखा। शायद इतनी खूबसूरत खातून पैदा ही नहीं हुई। कहाँ होगी वो हूर? जरा सुनिए। हाँ? वो साड़ी दिखाइए। हे भगवान, ये ख्वाब है या हकीकत? क्यों, क्या हुआ? मैं अभी जिक्र कर ही रहा था कि इस साड़ी को पहनने की हैसियत इस दुनिया में किसी और औरत की है ही नहीं, लेकिन आप तो खुद ही अभी मेरे रूबरू खड़ी हैं। ए साड़ी, तू बड़ी ही किस्मत वाली है, फिक्र मत करो, तुम्हारी खूबसूरती पे 4 चांद लगाने वाली हूर यही है। इसकी क्या कीमत है? 3,000, लेकिन सिर्फ आपकी खातिर मैं 2,000 में दे दूंगा, बाकी पैसे मैं अपनी पगार में से दे दूंगा। हाँ, लेकिन वो क्यों? मालूम है ये साड़ी मुझे बेहद पसंद है और आपके अलावा ये साड़ी कोई और पहने ये मुझे कतई मंजूर नहीं होगा, इसलिए छूट। छूट की जरूरत नहीं, ये लो 3,000। शुक्रिया मोहतरमा, पैक कर दो। अच्छा, तुम वाकई पागल हो या पागल बनकर हमें पागल बना रहे हो? तुम्हें ऐसा शक क्यों हो गया? सुबह पागलों की मानिंद भैया को नौकरी दिलाने की बात की,
अब बड़ी होशियारी से ये साड़ी फरोख्त कर दी, तुम आम इंसान नहीं हो सकते। बिल्कुल सही कहा है। ये कोई आम इंसान नहीं है, इनकी जुबान पे सरस्वती है। इनको कहे हुए अभी एक रोज भी नहीं हुआ। तुम्हें पता है, जिस कंपनी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था उसी कंपनी ने मुझे वापस बुलाया और 20,000 रुपए तनख्वाह देने का वादा किया है। वाकई? ये हकीकत है। मुबारक हो जनाब, आप हमेशा इसी तरह खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, ये लीजिए मिठाई खाइए। अरे तुम भी लो ना। ऐशु, मैं जाके सबको बताता हूँ, ठीक है, कि मेरे साथ कितना अच्छा हुआ है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दो, फिर मिलेंगे। ऊपर वाला अजीम है। हकीकत बताना, किसको फोन लगाया था? भगवान को। नंबर 1। इसको हकीकत मानू? तुम्हें भगवान पर यकीन है ना? तो उनका एक नंबर है, ये भी यकीन कर लो। भगवान से कहकर दूसरों को काम दिलाने वाले, खुद को जब जरूरत थी तो मुझसे क्यों मांगा? ऐशु, हम खुद के लिए ना मांग कर दूसरों के लिए सच्चे दिल से मांगते हैं तो हमारी बात जरूर सुनते हैं, इसीलिए उनको नंबर 1 कहते हैं। वाकई तुमको समझना मुश्किल है। बड़े लोग तो होते ही ऐसे हैं। क्या कहा? मेरा मतलब है कि आहिस्ते आहिस्ते सब समझ जाओगी। जो भी हो, तुम्हारे कहने पर शंकर भैया को नौकरी हासिल हुई, इसी खुशी में मैं तुम्हें दावत दूंगी। वो भी मेरी तनख्वाह से काटोगी क्या? सब कुछ मेरा। शाम को एक अच्छी जगह पिक्चर दिखाऊंगी और रात को मस्त खाना भी खिलाऊंगी, ठीक है? इस दावत में मैं शरीक हो सकती हूँ? तुम्हें छोड़कर मैं दावत दे सकती हूँ क्या? तो फिर मेरी स्पॉन्सरशिप होगी, वो तुम्हें टीवी सीरियल बनाते वक्त मांगूंगी। अभी तो सिर्फ मैं स्पॉन्सर हूँ, अब मैं जैसे कहूँगी वैसा तुम्हें मानना होगा। ओके, ठीक है, डन। ऐशु, टैक्सी से चले क्या? नहीं, बस से ही चलते हैं। बस में तो बहुत भीड़ होगी, कैसे चढ़ेंगे हम लोग? तुम्हें चढ़ने की जरूरत नहीं, दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाना बस, लोग तुझे चढ़ा भी देंगे और उतार भी देंगे। प्लीज ऐशु। देखो, दावत कौन दे रहा है? मैं। तो मेरा जो बजट होगा तुम दोनों को उसी में मैनेज करना होगा। ऐशु बजा फरमा रही है, बस में ही चलते हैं ना। अरे चलो जल्दी, वरना चढ़ने नहीं मिलेगा। आजा। वाह, यहाँ किसी को उतरना है क्या? ए श्रुति, वहाँ देख, आरएस मेंशन कितना बड़ा है। अच्छा, अंदर क्या क्या होगा उसमें? और क्या होगा, सामने एक लॉबी होगी, लॉबी के बगल में एक बार होगा, उसके सामने एक स्विमिंग पूल होगा, बाईं तरफ जाओगी तो 4 बेडरूम, 1 हॉल, 1 कॉन्फ्रेंस रूम, 1 बिलियर्ड रूम, और क्या। मैंने तुझसे कहा था ना कि इसका पेच थोड़ा ढीला है, अनसाबित हो गया। तुम भी ना ऐसे कह रहे हो जैसे अंदर देखा है। तुम उस घर के मालिक हो क्या, या फिर वहाँ के बावर्ची हो? अच्छा, तुम इतनी लंबी लंबी फेंकते हो, अगर कोई बेवकूफ मिल गया तो वो तो गया। मेरी ख्वाहिश है श्रुति कि चाहे जो भी हो जाए, मुझे अंदर से इस मैंशन को एक मर्तबा जरूर देखना है। ए, वो देखो आरएस। उसको देखकर तो ऐसा हरगिज नहीं लगता, नौकर जैसा दिखता है। तुम भी दिखते तो शहजादे की मानिंद हो, लेकिन मेरे साथ काम कर रहे हो ना, उसी तरह शक्ल देखकर फैसला नहीं किया जाता। अरे वक्त वक्त की बात है यार। भगवान, खामोश रहोगे थोड़ी देर? ऐशु, हम कौन सी पिक्चर देखेंगे? ओम। यहाँ तो बहुत ज्यादा हुजूम है ना? पारिसी के जमाने में सिनेमा घर में इतना हुजूम है, ये तो खुशी की बात है। तुम लोग रुको, मैं टिकट लेकर आती हूँ। तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। अरे ये क्या यार, स्टॉल की टिकट बालकनी की नहीं ले सकती थी? क्यों? स्टॉल में बैठकर देखेंगे तो फिल्म का हीरो अदाकारी छोड़कर गुस्सा होकर चला जाएगा। चलो चलो चलो। तो रुक, मैं बालकनी की टिकट लेकर आती हूँ। आज ऐश्वर्या की जानिब से दावत है, इसी का कहना मानते हैं। ये हुई ना बात, अब चलो चलो चलो। ये ऐशु, बैठ जा ना। बैठ जा। Yay! अरे,
हे भगवान, ये तो कमाल है। मैंने इस तरह का कब्ल कभी नहीं देखा था। वाह, कमाल हो गया। खुद से गुफ्तगू मत करो, पागल समझेंगे लोग। लो खाओ। ऐश्वर्या, तुम चलो, मैं बस अभी आता हूँ। क्यों? थोड़ा सा काम है। मुझे मालूम है, जाओ जल्दी आना। ठीक है। एक सिगरेट देना। चलता हूँ। इतनी जल्दी भूल गई? बरसात थी, वो गैरेज, रेप। तुम? मैं। दूसरी कहाँ है? कब्ल तुम, बाद में वो। कब्ल से हसीन हो गई हो। तुम्हें तो देख के ठंड में भी जिस्म गर्म हो गया है। अब इस गर्मी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ मत करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। कौन है बे तू? उसका मुहाफिज है या आशिक है? इसका शौहर है या ये तेरी रखैल है? इन सबसे बढ़कर हूं मैं। इसको हर मुसीबत से बचाने वाला, इसका सब कुछ मैं ही हूं। ए, जा पकड़ के लेके आ उसे।
आयशु, 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 अगर दोबारा तूने इसकी जानिब देखा भी तो तेरी बोटी बोटी कर दूंगा, समझ गया तू? नहीं नहीं शिव, चलो यहां से। ऐशु मैं ठीक हूं, तुम जाकर आराम करो, चलो। एक मिनट खामोश रहो ना। आ, 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 आ। मुझे नींद आ रही है, अब तुम सो जाओ। तुम यहीं सो जाओ। अरे चलेगा, मैं वहीं सो जाऊंगा। यहीं सो जाओ, चलेगा। चलो ठीक है, यहीं सो जाता हूँ। शब खैर। शब खैर। इन सबसे पढ़कर हूं मैं, इसको हर मुसीबत से बचाने वाला, इसका सब कुछ मैं ही हूं। इन सबसे पढ़कर हूं मैं, इसको हर मुसीबत से बचाने वाला, इसका सब कुछ मैं ही हूं। आज तक मैं तुम्हें पागल बोलती थी, आज तुमने मुझे ही पागल बना दिया। के पीछे लोग ऐसे क्यों भागते हैं? अगर मेरे पास पैसे होते तो उस बिल्डर के मुंह पर जाकर मार देती। ऐशु क्या हुआ? कल हमें ये घर खाली करना होगा। क्यों, भाड़े के लिए पैसे नहीं है क्या? नहीं नहीं, हमारे मालिक पर आरएस बिल्डर वालों ने मुकदमा कर दिया है। मालिक ने अगर उन्हें 20 लाख रुपए नहीं दिए तो फिर ये जगह उनकी हो जाएगी। लेकिन तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? यहाँ रहने वाले सारे लोग सड़क पर आ जाएंगे। मालिक ने बगैर वादियत के घर दिया है, जब हम जबरदस्ती देते हैं तभी भाड़ा भी लेते हैं। ऐसे नेक दिल इंसान के साथ ऐसा होगा तो परेशानी तो होगी ना। इस परेशानी को हल करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ 1 रुपया चाहिए। क्यों, फोन लगाओगे? हाँ। अच्छा, तुम जब भी फोन करोगे भगवान तुम्हारी सुन लेंगे क्या? कोशिश करने में क्या हर्ज है, वो देगा तो लाखों हासिल होंगे, वरना 1 रुपए का सिक्का जाएगा बस। ओहो, बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं इस गर्मी में। हेलो, हू स्पीकिंग? जी, मेरा नाम शिवराज है जनाब। मालिक, फरमाइए मालिक। कलिंगहम रोड पर आरएस बिल्डर का दफ्तर है। ओह माय गॉड। मालिक, मैं गॉड नहीं, आपके घर का डॉग हूँ मालिक। मुझे गॉड क्यों बोल रहे हैं मालिक? किसी ने मेरी शिकायत की क्या आपसे मालिक? तिरुपति वेंकटेश्वर, वन एंड ओनली गणेश। अरे बाप रे, क्या हुआ मालिक? मैं वन एंड ओनली गणेश नहीं हूँ मालिक। मेरे नीलकंठेश्वर। अरे मैं नीलकंठेश्वर नहीं, दास हूँ मालिक। गोपी किशन, अमरनाथ के महादेव, बराए करम इस परेशानी का हल निकालिए।
मालिक, आप मुझे भगवान के नाम से क्यों बुला रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं आपके पैर पकड़ता हूँ मालिक। आप हमारे घरों को बचा लीजिए, इस परेशानी से हमें बचा लीजिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। अरे बाप रे, गणेश की मानिंद फोन का भी विसर्जन हो गया। देखो, सभी भगवान से गुजारिश की है, सारी परेशानियां हल हो जाएंगी, फिक्र मत करो। उन पर यकीन करने वालों को वो कभी मायूस नहीं करते। आज दुकान में अच्छा कारोबार हुआ ना? बिल्कुल, बहुत मजमा था। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर है, हमारी कॉलोनी की सारी मुश्किलें हल हो गई हैं। अच्छा, मालूम नहीं किस भगवान का करम है, अब से हमें कोई परेशान नहीं करेगा। देखो, तुम दोनों जितने रोज घर में रहना चाहो रहो, सुकून से रहो, ठीक है? फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, चलता हूँ बेटी। शुक्रिया चाचा। मैं जाकर इस खबर को पूरी कॉलोनी को सुनाता हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें शुक्रिया कहना है तो मुझसे मत कहो, उनसे कहो, मैं चलूं? फिर आप जीत ही गए ना शिवू। जो आपने कहा था वो करके दिखा दिया। शुक्रिया जनाब। हाँ शिव, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए तुमने जैसा कहा था मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे रहा हूँ। शुक्रिया जनाब। अरे इसके लिए क्या शुक्रिया यार, तुमने इतनी मेहनत से काम किया है, मैं तुम्हें तनख्वाह दे रहा हूँ, बस इतना ही। देखो, अगर ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहोगे ना, तो मैं तुम्हें अगले महीने से पूरे 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट दूंगा। जी जनाब। दस्तखत करो। अरे ले लो भाई। शिव, क्या हुआ, तुम इन पैसों को बार बार गिन क्यों रहे हो? इतने पैसे कभी देखे नहीं है क्या? नहीं जनाब, ऐसे पैसों को मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं। जरा रुकिए, सुनिए, हेलो, एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए, अरे जनाब, अरे जरा गाड़ी रुकिए, हेलो। अम्मा, अम्मा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, ये तुम्हारा है? नहीं अम्मा, ये आपका ही है। ये मेरा नहीं है, मेरा कैसे हो सकता है? माँ जी, आपको शायद याद नहीं है, 1 महीने कबल मैंने आपके पास 2 केले मुफ्त में खाए थे। ओह, तो वो तुम थे। हाँ अम्मा। अम्मा, ये पैसे मैंने पहली मर्तबा अपने हाथों से कमाए हैं अम्मा। बहुत अच्छे बेटा, ये तुम अपने वालदैन को दो। मेरे वालदेन नहीं है अम्मा। तो फिर किसी मंदिर में जकात दे दो। अम्मा, मेरे लिए आप ही भगवान हैं, और ये जकात का बक्सा रख लो अम्मा। अम्मा, मैंने आपसे एक बात कही थी, याद है आपको? मैं 1 महीने बाद आऊंगा, आपको 2,00,000 रुपए दूंगा और एक बड़ा सा फ्रूट शॉप बना कर दूंगा। मुझे इल्म है आपको यकीन नहीं होगा अम्मा, लेकिन मैं कल आऊंगा, तब आप जरूर यकीन करोगी। अब मैं चलूं? 100 साल शहंशाह की जिंदगी जियो। अम्मा, अगर मेरी 100 साल की उम्र होगी ना, तो उसमें से आधी आपकी हो।
मैं तो गिरने वाला दरख्त हूँ, उम्र का क्या करूँ। अगर ये दरख्त सही सलामत रहा तो मेरे जैसे कितनों को छांव मिलेगी, फल मिलेंगे। इजाजत दीजिए अम्मा। हमेशा खुश रहो बेटा। ऐशु, शिव कहाँ है? मैंने पूरी दुकान में तलाशा, मालूम नहीं कहाँ। अच्छा, कहाँ चले गए थे तुम? कब से इंतजार कर रही हो? यहीं पास में गया था। अच्छा, मैं चलती हूँ। अलविदा। तनख्वाह ले ली? ले ली। तो चलो चलते हैं। ऐशु, तुम जाओ, मैं अभी आता हूँ। हाथ में पैसे हैं तो ज्यादा घूमना फिरना मत, सीधे घर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, अलविदा। ये सब जनाब, ये साड़ी खरीद रहा हूँ, ये लीजिए 4,500 रूपए। देखो शिव, यहाँ काम करने वालों के लिए 10% की छूट दी जाती है। छूट काट कर इस साड़ी की कीमत 4,050 रूपए होती है। तुम्हें सिर्फ 4,000 रूपए देने हैं बस। इस साड़ी पर छूट नहीं चाहिए जनाब, पूरे पैसे देकर ही लूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। सुनो, ये साड़ी पैक करके दे दो। शुक्रिया जनाब। क्यों, साड़ी देने के लिए? नहीं जनाब, इतने दिनों तक यहाँ काम पर रख के मुझे तनख्वाह दिया ना, इसलिए। ये लीजिए। चलता हूँ जनाब। ठीक है बेटा, फिर मुलाकात होगी। क्या बात है जनाब, इतना लेट आ रहे हो। चलो तनख्वाह निकालो। आते ही तनख्वाह चाहिए तुम्हें? शराबी के हाथ में दारू, तुम्हारे हाथ में पैसे, ज्यादा देर नहीं रहने चाहिए। चलो निकालो जल्दी। आंखें बंद करो अपनी। पैसे देने में इतना नाटक। ये क्या, पैसे इतने भारी? आंखें खोल कर देख तो लो। ये क्या है? खोल कर तो देखो। तुमने जो पसंद की थी वही साड़ी, अपने कमाए हुए पैसों से लाया हूँ, फ्रॉम माई फर्स्ट सैलरी। लेकिन तुम्हारी अकल तो ठिकाने है, कैसे इंसान हो तुम? तुम्हारा ये मुकालमा होगा, इतने दिन तुम्हारे साथ रहा हूँ इसलिए लेके आया हूँ। ये मेरा मुकालमा है, पैसों की कीमत का इल्म भी है। तनख्वाह के पैसे बर्बाद करोगे तो जिंदा कैसे रहोगे, ये तुम्हारा मुकालमा होगा। ऐशु, इतने दिनों तक मैंने अपनी जिंदगी को हल्के में लिया है, लेकिन मुझे उसकी कीमत का एहसास तुमने कराया। अब इसे चाहे तोहफा समझो या फिर रिश्वत समझो, बराए मेहरबानी इनकार मत करना। और हाँ, एक बात और, कल ये साड़ी पहनकर तैयार जरूर रहना, तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। मैं भी तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। सरप्राइज? वो क्या है? कबल तुम्हारा सरप्राइज और उसके बाद मेरा। ठीक है। आयशु, तैयार हो गई? एक मिनट में आई। जल्दी आओ, देर हो रही है। कैसी लग रही हूँ? बहुत कमाल दिख रही हो, अब चलें। ए शिव, कहाँ ले जा रहे हो तुम? कहाँ ना, सरप्राइज है, अब तुम चलो 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 ऑटो। शिव बताओ ना। तुम भी तो कुछ बताने ही वाली थी ना, वो बताओ। नहीं, कल बताऊंगी। इसलिए कह रहा हूँ, जानना है ना तो कब लो ऑटो में बैठो। कहाँ चलना है? तुम चलो ना, मैं बताता हूँ। ठीक है, चलता हूँ। ये क्या शिव, आरएस पेंशन ले जा रहे हो? तुमने कहा था ना देखना है, इसलिए लेकर आया हूँ। ये है तुम्हारा सरप्राइज? ये नहीं है। तो फिर क्या है? रुको 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 रुको, ऑटो रुको। ये तो सलाम कर रहा है, पैसे खिलाकर सेटिंग की है क्या? चलो चलो दोस्त। ₹100 हुए। ये लो। क्या है? मुझे डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। अरे डरती क्यों हो, मैं हूँ ना, चलो। किसी ने भगा दिया तो? कोई नहीं भगाएगा, आओ आओ आओ। वाओ। अरे मालिक, कहाँ थे आप? इतने दिन तक आप कहाँ थे मालिक? वो सब मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें। मालिक ये कौन है? मैंने कहा ना बाद में, तुम अंदर जाओ चलो। हाँ ठीक है मालिक, ठीक है ठीक है।
जैसा तुमने बताया था वैसा ही है। क्या तुम वाकई इस घर में बावर्ची थे? वही शिवराज है, मतलब कि मैं। क्या हुआ तुम्हें? मुझे माफ कर दीजिए। ये यीशु, अरे इसे रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? बराए मेहरबानी माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आप कौन हैं ये जाने बगैर आपको क्या क्या सुना दिया मैंने? पुराना खाना खिलाया, चटाई पर आपको नीचे सुलाया, और उन सबसे ज्यादा मैंने आपसे। आयशु, आयशु तुम ये क्या कह रही हो? माफी मांगने लायक तुमने कोई गलती की ही नहीं है। असल में तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है, मालूम है? हाँ आयशु, जब मैं छोटा था अपनी वालिदा को खो दिया, बड़े होते होते अपने वालिद को खो दिया। मेरे पास पैसे जायदाद आयशु आराम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सही क्या है और गलत क्या है ये सबक देने वाला कोई भी नहीं था। पैसे खर्च करना, ऐश करना, यही जिंदगी है सोचकर मैं मुगालते में रहा। जिंदगी को बड़ी बेपरवाही से ले लिया। लेकिन मालूम है, जब से तुम मिली हो ना, इस गुजरे हुए 30 रोज में तकलीफ क्या होती है, खुशी क्या होती है, जिंदगी और यकीन क्या होता है, आखिर दोस्त का रिश्ता क्या होता है, ये सब जाना है मैंने। जिंदगी कितनी अहम होती है, इसका सबक तुमसे हासिल हुआ है। हकीकत तो ये है कि अगर ये शिवराज आज एक जिम्मेदार इंसान है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। हाँ यशु, मैं हकीकत बता रहा हूँ, तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। हाँ यशु, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। खुद को संभालो प्लीज। और हाँ, तुम भी तो कोई सरप्राइज देने वाली थी ना, क्या है वो? तुम्हारे सरप्राइज के सामने मैं अपना सरप्राइज भूल गई। कोई बात नहीं, तुम्हें जब याद आएगा तब बता देना, ठीक है? अदास जी, जी मालिक जी, बोलिए मालिक। दास, इनका नाम है ऐश्वर्या, ये मेरी करीबी दोस्त है। आज जो मुझ में इतनी तब्दीली आई है ना, इन्हीं की वजह से, इसलिए आज से ये इसी घर में रहेंगी। इनका सारा इंतजाम करो, ठीक है मालिक? ठीक है। आयशु, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम है, तब तक तुम जाकर आराम फरमाओ, ठीक है? मालिक, आप कब आए? इतने दिन तक कहाँ थे आप? हम सब कितने परेशान थे। जरा पूर सुकून हो जाइए रामानंद जी, मेरे पास गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है। मालूम है, वक्त बहुत ही कीमती है, मुझे मेरे सारे फैक्ट्री मैनेजर से मुलाकात करनी है, तो जल्दी से मुलाकात का वक्त मुकर्रर कीजिए, मैं बस अभी आता हूँ, ठीक है? हेलो। हेलो श्रुति, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए पापा। तुम्हारे लिए खुशखबरी क्या है, बताइए। मालिक वापस आ गए। मुझे उसका इल्म है पापा। इल्म है? तुम्हें कैसे इल्म? अभी आपने ही बताया ना। श्रुति, आज मैं कितना खुश हूँ, तुम्हें इल्म है? कतई यकीन नहीं हो रहा है कितना बदल गए हैं। अब देखना बेटी, हमारी कंपनी कैसे बुलंदी को छूती है। मैं थोड़ा मशरूफ हूँ, बाद में बात करता हूँ। जी पापा, ठीक है। अम्मा, अब से इस दुकान की मालकिन आप हैं। अब अपने फर्जन से खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो आपसे खौफ खाएगा। अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे फोन कीजिएगा। जीते रहो बेटा, तुम्हें पागल समझ बैठी थी, शायद मैं ही पागल थी। ऐसा ना कहिए अम्मा। अब मैं चलूं? दास जी, चलिए मालिक। क्यों ऐश्वर्या, शिव कहाँ है? अरे ऐश्वर्या, तुमसे ही मुखातिब हूँ मैं। हाँ। शिव कहाँ गया बेटी? अब वो काम पर नहीं आएगा जनाब। काम पर नहीं आएगा?
तुम्हारे कहने पे मैंने उसे काम दिया और तुम बोली हो काम पे नहीं आएगा, इसीलिए कहता हूँ बगैर सोचे समझे किसी पे यकीन मत करो। आपको इल्म है कि वो कौन है जनाब? कौन है? हम जैसे लाखों को काम देने वाले आरएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक शिवराज आरएस। क्या जनाब? अरे साहब, अरे मालिक क्या हुआ आपको? अरे उठाओ कोई। अरे आराम से, आराम से। पता नहीं क्या हो गया, एकदम से बेहोश हो गया। हाय ऐशु। ऐशु, इल्म है कि मैं कितनी खुश हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम इतनी मायूस क्यों हो? क्या हुआ ऐशु? ऐशु, ऐशु क्या हुआ? ऐशु प्लीज, ऐशु बताओ ना क्या हुआ? तुम ऐसे रोती रहोगी तो मुझे इल्म कैसे होगा? जो नहीं होना था वो हो गया। अरे लेकिन क्या हुआ है ये तो बताओ। कल तक मेरे कमरे में जो था वो कोई आम इंसान नहीं था, वो शिवराज आरएस था। बस इतनी सी बात, पागल लड़की, इसके लिए कोई रोता है क्या? इतना ही नहीं श्रुति, वो इतनी बड़ी शख्सियत है ये जाने बगैर मैंने उसे बहुत परेशान किया, भला बुरा कहा, और इन सबसे ज्यादा मैं उन्हें अपना दिल दे बैठी। ऐशु, तुम शिवराज से मोहब्बत करती हो? हाँ श्रुति, पागलों की मानिंद मोहब्बत करती हूँ। श्रुति, जब मैंने अपने वालदेन को खोया था तब भी इतनी तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन अब उसके बगैर मैं एक पल भी नहीं जी पा रही हूँ। भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है? मैं बहुत बदनसीब हूँ। तुम बदनसीब नहीं, खुश नसीब हो ऐशु, इसीलिए तो वो मिला है तुम्हें। तुम्हें उससे मोहब्बत हुई, तुम्हें खुश होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात है, उसके जाने बगैर मैंने उससे मोहब्बत की और उसको अपने दिल की बात जाहिर तक नहीं की। वो बड़ा आदमी है, ये जानने के बाद कहूंगी तो वो मेरे मुतालिक गलत सोचेगा। अरे पागल, जो भी हो तुम उससे मोहब्बत करती हो बस, और वैसे भी तुम कितनी अच्छी लड़की हो, इसका इल्म है उसे और वो जरूर तुम्हें मिलेगा, परेशान मत हो। श्रुति, श्रुति, ओ तुम यहाँ हो। श्रुति, जैसा तुमने कहा था मैंने 5,000 रुपए कमा लिए और मैं इससे बेहद ही खुश हूँ। इल्म है मैं कितना खुश हूँ। तनख्वाह कहाँ है? हे भगवान, तुम अब भी वही पूछ रही हो? मैं पूछ रही हूँ 5,000 रुपए कहाँ है? खर्च कर दिए। किस लिए, खाने के लिए या पीने के लिए? अरे यार उसे छोड़ो, काफी दिन हो गए हैं। तुम्हारी दोस्त ऐश्वर्या है ना, उसने एक साड़ी पसंद की थी याद है, मैंने उसे वो तोहफे में दे दी। मेरी दोस्त को तुमने साड़ी क्यों दी? वो तुम्हारी सिर्फ दोस्त होगी, लेकिन मेरी तो रूममेट भी है। वो सिर्फ रूममेट है या फिर बेडमेट है? क्यों, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? तुम दोनों 30 रोज तक एक कमरे में थे, तुम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं हुआ? छे, तुम्हें खातून होकर दूसरी खातून के मुतालिक, वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के मुतालिक इतनी गंदी गंदी बात बोलोगी मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। छी, आज ये बात मैं कह रही हूँ 4 दीवारी के दरमियाँ, लेकिन कल आस पड़ोस वाले कहेंगे और परसों पूरा शहर जिक्र करेगा। अरे मैले दिल वाले तो 1,000 बातें करेंगे, उनके बारे में सोचना फालतू है। हमें उनके ही दरमियाँ रहना होगा और जो वो सोचेंगे मुझे उससे फर्क जरूर पड़ेगा। तुम लोगों के दरमियाँ कोई रिश्ता नहीं है ये सोचकर मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, लेकिन ऐश्वर्या उससे कौन शादी करेगा, और कहीं उसकी शादी हो भी गई तो क्या उसका शौहर उसे खुश रखेगा? और इस तर्क में कहीं उसने कुछ कर लिया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?
कब्ल ही उसके वालदैन नहीं है। एक दोस्त होकर मैंने उसे भुला दिया तो दोस्ती की क्या कीमत रह जाएगी। ऐशु, ऐशु, आओ मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर पर। मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें चलना ही होगा, जब तक मैं तुम्हारी शादी नहीं करवा देता तुम्हें वहीं पर रहना होगा। मेरी शादी? मेरी शादी तुम करवाओगे? हम दोनों के मुतालिक बुरा कहने वालों का मुंह बंद करने के लिए। तुम्हें कोई गलत फहमी है, हम दोनों के मुतालिक कोई बुरा नहीं कह रहा। कोई और क्यों, हम दोनों के मुतालिक इल्म होते हुए भी तुम्हारी दोस्त श्रुति ने कहा तो दूसरों का क्या यकीन करें। श्रुति ने? वो तुम्हें कहाँ मिली? उसके घर में। तुम वहाँ क्यों गए थे? ओ धत, ऐशु, इतने रोज तक मैंने तुमसे एक बात छुपा कर रखी थी, मेरे यहाँ आने की वजह श्रुति ही है। मैं श्रुति से मोहब्बत करता हूँ। हे भगवान, ये मैंने कैसा गुनाह कर दिया, मैंने गुनाह कर दिया, गुनाह कर दिया। ऐशु, तुम ऐसे रो क्यों रही हो, क्या गलत किया तुमने? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई शिव, बगैर सोचे समझे मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठी। ये श्रुति को बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी शिव। ऐशु, तुमने मुझसे मोहब्बत की? हाँ, सिर्फ शिव समझकर मोहब्बत की, शिवराज आरस हो इसका इल्म नहीं था। इल्म होने के बाद अगर बताती तो कहीं तुम मेरे मुतालिक गलत ना सोचो, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। तुमसे मोहब्बत करने के लिए मुझे माफ कर दो शिव, प्लीज प्लीज, बराए मेहरबानी माफ कर दो शिव, प्लीज। हाँ शिवू, ऐश्वर्या आपको अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करती है। मैंने आपसे सिर्फ अपनी जिंदगी को समझने के लिए कहा था, लेकिन उसने आपके साथ खड़े होकर जिंदगी क्या है ये सिखाया है। आप कौन हैं इसका इल्म ना होने पर भी आपको अपने साथ रहने की इजाज़त दी, जो कोई भी लड़की करने से कतराएगी, चाहे हालात जो भी रहे हो, उसने अपना ख्याल रखा है, उससे बेहतर लड़की आपको और कहाँ मिलेगी। कुछ पाने के लिए सिर्फ ख्वाहिश होना ही काफी नहीं होता, काबिलियत भी होनी चाहिए, और वो सिर्फ मेरी दोस्त ऐशु में ही है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप मेरी मोहब्बत की कद्र करते हैं तो प्लीज आप ऐश्वर्या से ही शादी कर लीजिए, मैं उसे कभी धोखा नहीं दे सकती, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर उसके कहने पर तुमने मन बदलकर मुझसे शादी करनी चाही तो मैं भी नहीं मानूंगी। श्रुति कितनी अच्छी लड़की है, इसका इल्म है तुम्हें, तुम जैसा बड़ा आदमी मोहब्बत करेगा तो कोई भी लड़की आंख बंद करके मान जाएगी, लेकिन श्रुति ने ऐसा नहीं किया। असली जिंदगी क्या होती है तुम्हें ये सिखाने की कोशिश की, तुम एक जिम्मेदार इंसान बनो ये सोचा उसने। तुम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की है, यहाँ सिर्फ मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुमने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। चांद का अक्स कुएं में दिखने से कुएं का हो गया ये कहना बेवकूफी होगी, वैसे ही तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए नहीं है। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ, तुम्हें श्रुति से ही शादी करनी होगी, वही तुम्हारी असल शरीक हयात है। मैं तुमसे शादी करके मेरी श्रुति को धोखा नहीं दूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। आ,
ओ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टेंशन हो रही है, मेरे तो दिमाग की दही हो गई है। इस गुत्थी को कैसे सुलझाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भगवान कोई रास्ता दिखाओ। दास जी मालिक, यहाँ पर शिवराज कौन है? आप है मालिक। मोहब्बत की परेशानी किसको है? आपको मालिक। तो फिर उलझन किसको होनी चाहिए? आपको मालिक। तो फिर तुम उलझन में क्यों हो? मालिक, आप उस लड़की से शादी करेंगे या इस लड़की से? उलझन किसको होनी चाहिए आप बताइए मुझे। बिल्कुल सही, तो इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है? मालिक, आप मेरी मानिए तो श्रुति से शादी कर लेनी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि आपने उससे मोहब्बत की है। ऐश्वर्या भी मुझसे मोहब्बत करती है ना। ये भी सही है, तो फिर मालिक आप ऐश्वर्या से शादी कर लीजिए। तो फिर श्रुति? मालिक एक काम करिए, आप दोनों से शादी कर लीजिए, सबकी परेशानी खत्म। ऐशु तशरीफ रखो। ऐशु, तुम्हारे समझाने के बाद मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने श्रुति से शादी करने का फैसला किया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इल्म था तो मेरी बात जरूर मानोगे। लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का पसंद किया है, अगर तुम उससे शादी करोगी तो ही मैं श्रुति से शादी करूंगा। शिव, बराए मेहरबानी जबरदस्ती मत करो। मतलब मैं और श्रुति शादी कर लें और तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही तन्हा रहोगी क्या? जब तुम सोच सकती हो कि तुम्हारी दोस्त की जिंदगी खुशहाल रहे, तो मैंने भी अपने दोस्त को खुश देखना चाहा, तो इसमें गलत क्या है? तुम ऐसे तन्हा रहोगी तो क्या हम खुश रह पाएंगे? हरगिज नहीं, वो दर्द मुझे हमेशा चुपता रहेगा। प्लीज मेरी बात मान लो। ये मुमकिन नहीं है शिव। देखो, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं और श्रुति शादी कर लें, तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। श्रुति से शादी करने के लिए तुम मान गए हो ना, मेरे लिए वही काफी है, तुम जो कहोगे मैं मानूंगी। शुक्रिया। एक बात और। क्या? तुम शादी कर रही हो, श्रुति को इल्म ना हो। क्यों? उसके लिए तुम अपनी मोहब्बत कुर्बान कर रही हो, इसका इल्म हो गया तो वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगी। ठीक है, इजाजत दो मुझे। दूल्हे को लेकर आइए। विनय, तैयार हो? आई एम रेडी। एक सेकेंड। अब तो तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। ये मंगलसूत्र पहना दीजिए। शहनाई बजाओ, शहनाई बजाओ। शादीशुदा जिंदगी मुबारक हो। शुक्रिया। शिव, तुम्हारी और श्रुति की शादी कब है? बस होने ही वाली है, अगले हफ्ते। मुहूर्त का समय हो गया, दूल्हे को लेकर आइए।
मालिक कहाँ चले गए? मंगल सूत्र पहना दीजिए। शहनाई बजाओ, शहनाई बजाओ। खुश रहो बच्चों, ऊपर वाला तुम दोनों को खुश रखे। शुक्रिया विजय। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। शादीशुदा जिंदगी मुबारक हो। थैंक यू। शादीशुदा जिंदगी मुबारक हो सर। तुम्हारी बात मानकर मैंने शादी तो कर ली। तुम्हारी और ऐशो की शादी कब है? वेरी सून, बहुत जल्दी। कमाल ऐशो, जब देखो दावत वगैरह में मशरूफ रहता था तू, हिंदुस्तान आने को राजी नहीं था, और अब देखो यही सेटल होने की बात कर रहा है। वाकई कमाल है दोस्त। सब वक्त का तकाजा है, जिंदगी में जो होना होता है वो हो जाता है, हमारे हाथों में कुछ नहीं होता। खैर छोड़ो, मैं तुम लोगों का एहसानमंद हूँ दोस्तों। देख, इस फॉर्मेलिटीज को तू गोली मार। तुमने उनकी दोस्ती को बचाकर उनको एक रुख दिया है, और हमने अपनी दोस्ती की कद्र करके शादी कर ली। दैट्स ऑल। बजा फरमाया। देखो शिव, तुमने जैसा कहा हमने वैसा ही किया, अब हम जैसा कहेंगे तुझे वो करना होगा। मेरी शादी की ही बात है ना, तुम दोनों मेरे लिए जिस लड़की को भी चुनोगे मैं आंख बंद करके उससे शादी कर लूंगा, ये मेरा वादा है। ये हुई ना बात, मर्दों वाली बात। चीयर्स। लाइए लाइए। शुक्रिया शुक्रिया। नेक्स्ट, गोवा जाने का फ्लाइट कितने बजे की है? 8:00 अरे तुम परेशान नजर आ रहे हो, आखिर बात क्या है? अरे बिल्कुल नहीं, सही वक्त पे आए हो। शिव, तुम्हारी और श्रुति की बड़ी याद आएगी। मुझे भी तुम दोनों की बड़ी याद आएगी। मालिक पासपोर्ट। हाँ पासपोर्ट्स। मालिक उनके आने का वक्त हो गया, चलो चलते हैं। या नमस्ते जनार। हाय। हेलो दास। जी मालिक। पासपोर्ट्स, बाय द वे विश यू वेरी हैप्पी जर्नी। थैंक यू। हैप्पी जर्नी। शुक्रिया। पहुंचते ही फोन करना। हाँ ठीक, चलती हूँ पापा। ठीक है बेटी। ठीक है। मालिक, हाँ? आपको क्या लगता है मालिक कि आपने सही किया है? एकदम सही। उन दोनों की दोस्ती देखी तुमने? ये उसे शादी करने को कहती है और वो इसे करने को कहती है। इन सब को देखने के बाद मोहब्बत के लिए एक दूसरे का दर्द सहने से बेहतर दोस्त बनकर रहेंगे तो सब लोग खुश रह पाएंगे, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। श्रुति ऐश्वर्या दोनों मेरी आंखों की मानिंद हैं। एक ने बताया जिंदगी क्या होती है तो दूसरे ने उसे जीना सिखाया। इन दोनों आंखों में से कोई आंख गंवाना मुझे मंजूर नहीं था। इल्मे, हम तीनों के दरमियान का रिश्ता मोहब्बत और शादी से कहीं ज्यादा अहम है, बहुत ही पाक है। ऐसा रिश्ता हमारे दरमियान हमेशा के लिए रहना ही चाहिए, और इसलिए उनकी शादी मैंने अपने जान से भी अजीज दोस्तों से करवा दी। दास, श्रुति और ऐश्वर्या दोनों बेहद खुश रहेंगी। मुझे यकीन है मैंने दुरुस्त किया है।
मालिक आप वाकई अजीम शख्सियत है मालिक। पिता हाय आई लव यू। क्या आपसे शादी करना चाहती हूँ? माजरत चाहूंगा, मैं तो आपको जानता तक नहीं। लेकिन मैं आपको जानती हूँ, आपके करीबी दोस्त विनय और विजय को बड़े अच्छे से जानती हूँ। देखो शिव, हम जैसा कहेंगे वैसा तुम्हें करना। सही कहा, मेरी शादी की बात है ना, तुम दोनों मेरे लिए जिस लड़की को भी चुनोगे मैं आंख बंद करके उससे शादी कर लूंगा, ये मेरा वादा है। एक्सक्यूज मी, तो शैल वी गो, अब चलें? जरूर।